डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम सम सम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस यानी ऐसे वर्म्स फाइलेरियल वर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स के पैरासाइट्स हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है व्यूचुरेरिया स्पीशीज मजीद हम इनकी फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन को भी डिस्कस करेंगे फाइलेरियल वर्म्स ट्रॉपिकल कंट्रीज में टू फिफ्टी मिलियन ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो कि फाइलेरियल वर्म्स से इन्फेक्टेड हैं इनके दो एग्ज़ाम्पल जो कि ह्यूमन फाइलेरियल वर्म्स की हैं इनके अंदर ब्रैंकोफ्लाई और मेलाई ये दो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को अटैक करती हैं इनकी बॉडी के अगर हम देखें क्योंकि ये वर्म्स हैं एलोंगेटिड होंगे थ्रेड लाइक -like होंगे निमाटोड हैं और ये एज आ पैरासाइट्स लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहेंगे जहाँ पर रहते हुए ये ह्यूमन बेंगस के जो लिफेटिक वेजल्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे अब लिफेटिक वेजल्स जब ब्लॉक हो जाएंगी तो उसका क्या होगा यहाँ से जो टिश्यू फ्लूड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर नहीं हो सकेगा जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर नहीं होगा तो उसमें ये वेज़ल्स ब्लॉक हो जाएंगी कनेक्टिव टिश्यूज़ ब्लॉक हो जाएंगे और इनके ब्लॉक होने की वजह से जो पेरीफ्रल फ्लूड है वो आहिस्ता आहिस्ता एक मुकाम पे एक्यूमिलेट होता जाएगा अब उस एक्ूमुलेशन से क्या होगा वहाँ पर उस पॉइंट पर एक स्वेलिंग हो जाएगी और उस स्वेलिंग की वजह से जो बॉडी की कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे फैल उसको कंडीशन को हम कहेंगे एलिफेंटाइसिस वो कंडीशन जिसमें बॉडी पार्ट जो है फल्यूड की एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेल हो जाती अब इस लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर अडल्ट जो हैं नॉर्मली दे गो फॉर द प्रोसेस ऑफ कपूलेशन और इनके अंदर माइक्रोफाइलेरिया की प्रोडक्शन होगी माइक्रोफाइलेरिया जो के प्रोड्यूस होंगे उनको फिर रिलीज़ किया जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में ब्लड स्ट्रीम्स में कब एंटर होंगे जब ये ह्यूमन बींग्स को एज आ होस्ट यूज़ करेंगे और जब ये ह्यूमन बींग में आ जाएंगे सर्कुलेशन में एंटर होंगे और पेरीफ्रल सर्कुलेशन इनके अंदर स्टार्ट हो जाएगी अब जब इस ह्यूमन बीइंग को जिसके अंदर ये वर्म मौजूद है कोई भी मॉस्कीटो काट लेगा मॉस्कीटो आपको मालूम है कि मॉस्कीटो की ब्लड जो है ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड जो है वो उसकी मील है जब उसके अंदर ये चली जाएगी तो ये इसका थर्ड स्टेज लार्वा जो है ये मॉस्कीटो इंजेक्ट कर लेगा और इंजेक्ट करते हुए इसके टू मोल्ट्स होंगे मोल्ट होने के बाद ये लार्वा जो है फिर लिम्फेटिक वेजल में एंटर हो जाएगा फाइलेरियल वर्म जो है ये ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेवलेंट है और इसके पैरासाइट्स जो हैं डॉग्स की इम्पोर्टेंट स्पीशी डायरोफाइलेरिया इमिटिस ये डॉग का एक पैरासाइट है जो कि बहुत कॉमन है अब अडल्ट वर्म्स हार्ट में भी रहेंगे लार्ज आर्टरीज में भी रहेंगे लंग्स में भी रहेंगे तो जो इनकी वजह से इन्फेक्शन होगा उसको हम कहेंगे हार्ट वर्म डिज़ीज़ ये डिजीज़ जो है डॉग्स के अंदर बहुत कॉमन है एक दफ़ा ये फाइलेरियल वर्म्स जो हैं बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं तो इनको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल काम है अब जब ये एलिमिनेट नहीं होंगे तो इसके लिए क्या किया जाएगा मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा अब ये मेडिकेशन जो है डॉग्स में भी की जाती है और ह्यूमन बींग्स में भी की जाएगी अब ये लाइफ साइकिल है इस लाइफ साइकिल के अंदर ये जो फाइलेरिएसिस है इसको अगर हम देखें तो ये लाइफ साइकिल जो है इसमें दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ये लिम्फेटिक फ्लूड के अंदर ये फाइलेरियल वर्म्स मौजूद हैं अब इसको जो कि इन्फेक्टेड ह्यूमन बीग्स हैं एक मॉस्किटो काट लेगा तो ये ब्लड मील से एंटर हो जाएंगे फिर ये अगली स्टेज में एंटर होंगे यहाँ पर ये अडल्ट लम्फेटिक्स पे चले जाएंगे, वहाँ से अडल्ट जो है माइक्रोफिलेरियाई प्रोड्यूस करेंगे जो कि माइग्रेट करेंगे लिम्फ में ब्लड चैनल में यहाँ से ये जो है एंटर होंगे डायरेक्ट जो है माइक्रोफिलेरियाई ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो शीत है दे विल शेड इट ऑफ एंड विल पेनीट्रेट इंटू मॉस्किटो गट एंड विल माइग्रेट इंटू थ्रेसिक मसल्स फ्रेसिक मसल्स में आके लार्वा वन बनेगा लार्वा टू बनेगा लार्वा थ्री बनेगा फिर ये लार्वा माइग्रेट कर जाएगा हेड में और मॉस्किटो के प्रोबोसिस में अगेन जब मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फिर एंटर हो जाएगा अब इस डायग्राम के अंदर दो सिंबल्स अगर आप देखें ये वाला है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज और ये है इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज तो इस फाइलेरिएसिस जो कि एक डिजीज़ है फाइलेरियल वर्म की वजह से ये डिजीज़ पैदा होती है और इसमें लाइफ साइकिल के अंदर मॉस्किटो और ह्यूमन बेंग ये दो इसके होस्ट हैं पैरासाइट के और ये डिजीज़ किस की वजह से हो रही है पैरासाइट जिसको हम कहते हैं व्यूचुरेरिया। अब हम बात कर रहे हैं इनकी फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन की फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन में इसके देखें आप एक क्यूटिकल मौजूद है मस्कुलर फेयरिंग्स मौजूद है एडहेसिव ग्लैंड मौजूद हैं अब ये सारे फीचर्स जो हैं दे आर रिजेंबलिंग विद द रोटीफर्स अब इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया जो हैं वो भी रोटीफर्स uh, के नेफ्रीडिया से रिजेंबल करते हैं तो जोलोजिस्ट नॉर्मली क्या बिलीव करते हैं कि जो निमट है दे माइट हैव बिन डिराइव्ड फ्रॉम द रोटीफर्स लेकिन अगर हम ये कह लें या सोच लें कि ये निमाटोर्ट्स जो हैं ये रोटी फर्ज से डिराइव किए हैं तो फिर एक और अदर कंसर्न हमें ये आता है कि ये अर्लीस्ट ए सिलोमेट्स एनिमल से भी रिजेंबल करते होंगे और काइनीटोरिंक्स रिंग्स लोरीसी फर्ज इसके लार्वे जो हैं ये इनके लार्वों से भी रिजेंबल करते हैं तो हम इनकी लोरीसी जो है और काइनोरकस की अपीरेंस जो है वो इनके लार्वे से बहुत ज़्यादा रिजिम्बल करेगी तो हम कह सकते हैं कि निमाटोड्स जो हैं वो अपनी अफिनिटीज इन सब फाइलम के साथ शो करते हैं जिनको अभी हमने डिस्क्राइब किया और कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप नहीं है इनके अलावा जिसके साथ ये फ़ाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन शो करते हो अब इनकी अनसेस्ट्रल निमाटोड्स जो हैं इनके अगर एंड्स हम देखें क्योंकि वर्म्स हैं एंटीरियर एंड है पोस्टीरियर एंड है निमाटोड्स का क्यूटिकल है फीडिंग स्ट्रक्चर है अब ये सारी इसकी हैबिट्स जो हैं ये फ्री लिविंग स्पीशीज के साथ भी रिजेंबल करते हैं लेकिन चूंकि ये पैरासाइट है इसके फिजोलॉजिकल करेक्टर्स जो हैं फ्री लिविंग से डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निमेटोफोर्स हैं दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद द निमेटोड्स देन विद एनी अदर फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कुछ निमेटोफोर्स के लार्वे जो हैं दे आल्सो रिजेंबल विद द पार्पोलिड्स सो इनकी एग्जैक्ट अफिनिटी या फाइलोजिनेटिक कंसिडरेशन किस ग्रुप के साथ एग्जैक्ट है जोलोजिस्ट जो हैं दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट और उसकी कोई फाइनल रिजल्ट जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए